हाय, मैं हूँ प्रीति और आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अप्रैल महीने में आपके साथ क्या होने जा रहा है। अप्रैल महीने के बारे में प्रेडिक्शंस हम देखने वाले हैं, यू नो। और इस बार के प्रेडिक्शंस में, यू नो, आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट थिंग, कुछ अलग तरह से मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब यूजुअली मेरे वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि जो ऑप्शंस सेलेक्ट करने होते हैं वो कुछ, मतलब चार ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना होता है, पाँच में से एक सेलेक्ट करना होता है, बट इस बार कुछ अलग है। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस की पाइल है, ओके, तीन ऑप्शंस की पाइल है जिसमें से हर ऑप्शन में से आपको एक एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। चलिए आपको बता दूँ, पहला ऑप्शन का जो पाइल है वो है, ये नंबर्स है, ठीक है। तो एक से लेकर नौ तक नंबर्स है, ओके, एक से लेकर नौ तक नंबर्स है, तो ये पहला वाला पाइल है, ठीक है। दूसरा वाला पाइल हमारे पास कलर्स वाला पाइल है, सेवन कलर्स वाला पाइल है, ठीक है। सो जिसमें से एक पर्पल कलर यहाँ पर है, ये ड्यूअल कलर वाला कुछ है, पर्पलिश वायलेट, वायलेटिश पर्पल जो भी इसे कहते हैं, ठीक है, दो कलर वाला है। और थर्ड पाइल जो हमारे पास ऑप्शन का है वो है ये, ठीक है। दो क्रिस्टल्स है, रेड क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ये रेड जैस्पर है, ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी तब आपको ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं। अब यू नो, आपको ये सारे ऑप्शंस में से ऑप्शंस कोई भी तीन ऑप्शंस सिलेक्ट करने हैं, यस, तीनों पाइल में से एक एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, मतलब आपके पास तीन ऑप्शंस आ जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे सभी ऑप्शंस के लिए टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, उसके हिसाब से आपको अपने ऑप्शंस, जो भी तीन ऑप्शंस आपने चुने हैं उसका वीडियो आपको देखना है, ठीक है। अब यू नो, इस वीडियो में आप आगे बढ़ो उससे पहले कुछ बातें हैं कि जो मुझे आपसे बतानी है। जैसे कि यू नो, अब ये वीडियो में जो भी बताया जा रहा है यूजुअली सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करेगा, बट कुछ ऐसी बातें भी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अभी रेजोनेट नहीं करेंगी, कुछ समय के बाद ज़रूर रेजोनेट कर सकती है। और यू नो, जो भी रेजोनेट नहीं करता है, लाइक सिर्फ बाद में कुछ बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, तो जो रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दो, जो रेजोनेट करता है उसको आपको रखना है। अब यू नो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया प्रेडिक्शंस है, अब कुछ हद तक यू नो, यस, डेफिनेटली यू नो प्रेडिक्शंस काम करते हैं, सभी चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी वो होंगी। बट जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर बताया जा रहा है, यू नो, आप उसकी राह देख रहे हैं बट कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको उस डायरेक्शन में आपको कदम उठाना शुरू करना है। यू नो, कभी कभी क्या होता है कि प्रेडिक्शंस तब काम करेंगे जब आप काम करेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ज़रूर यू नो, आप उस डायरेक्शन में कदम लेना शुरू कीजिए कि जहाँ पर सी, अगर कुछ बहुत अच्छा बताया गया है, राइट, कुछ बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होगा ऐसा बताया गया है, तो उस डायरेक्शन में कदम लेने से, उस डायरेक्शन में जाने से प्रॉब्लम क्या है, राइट, अभी का अच्छा होगा, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था, दैट वॉज अ लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ तो, मेरा नाम प्रीति है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैं एक टैरो का रीडर हूँ, टैरो ट्रेनर हूँ। मेरे टैरो की क्लासेस, मेरे ओरेकल कार्ड रीडिंग के क्लासेस, मेडिटेशन के क्लासेस होते रहते हैं। इस महीने भी मेरा टैरो का क्लास होने जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो यू नो, इस वीडियो के नीचे आपके लिए वो लिंक डाल दी जाएगी जहाँ पर आप यू नो मेरा टैरो का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले ये वीडियो देख लीजिए, ठीक है। चलिए, तो सारे के सारे ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पर। चलिए, अब अगर आपने पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है, याद रखिए हमारे पास तीन, आपके पास तीन अलग ऑप्शन चुने हुए होने चाहिए। तो नंबर्स वाली पाइल में से अगर आपने ऑप्शन नंबर वन सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारे पास ये वाला कार्ड है, वी हैव दिस कार्ड, यस। अब ये कौन सा डेक है, कहाँ की कार्ड्स है, ये वो अगर आपको जानना है तो इस वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। नाउ दिस कार्ड इज़ एक्चुअली यू नो फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। फोर ऑफ कप्स इज़ वेयर यू नो, ये जो व्यक्ति है, दिस इज़ यू, ये आप है कि आप यू नो आप ज़्यादा बोर होने वाले हैं। आप कहेंगे ये कैसा प्रेडिक्शन है, यस, यू नो अप्रैल के महीने में आप बोर हो सकते हैं, आप यू नो नॉट एग्जैक्टली बोर, बट कुछ ऐसा कि आपके साथ लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लाइफ में कुछ अनोखा नहीं हो रहा है जिसकी वजह से आप बोर हो रहे हैं। तो एक बात है कि लाइफ में कुछ बुरा नहीं होने वाला है, राइट, जैसी लाइफ है वैसी रहने वाली है। सो एक अच्छा मैसेज हमको मिल गया कि लाइफ में जैसा है वैसे का वैसा रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ यू नो ना बुरा था ना अच्छा था, जो जैसा है वैसा ही चलने वाला है, मतलब कोई नया झोल नहीं आने वाला है अप्रैल के महीने में, ठीक है, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी बात यह है कि आप
इमोशनली आप इतना ज़्यादा दूसरों के लिए अवेलेबल रहे हैं, इतना ज़्यादा आप यू नो दूसरों के लिए अवेलेबल रहे हैं, दूसरों को आप ध्यान देते हैं, आप सेंटिमेंटल बहुत रहे हैं कि मतलब कोई अगर आकर आपको कंप्लेन करता है तो आप यू नो उनको मना नहीं कर सकते उनकी बात सुनने से, तो आप हर दम ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से अब यू नो आप ये कर करके उब जाएंगे और आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं रहना है इस महीने। तो जस्ट गो अहेड एंड डू इट। अगर आपकी इच्छा नहीं है किसी की बात सुनने के लिए, अगर आपकी इच्छा नहीं है कि आप किसी के रोतलों को रोते हुए सुनते रहे, तो आप यू नो इट्स टोटली फाइन, यू नो नॉट नेसेसरी। अब आपको लगेगा अरे लेकिन कोई अगर मुश्किल में है तो उसकी बात तो ज़रूर सुननी चाहिए, उसके साथ हमें ज़रूर रहना चाहिए, राइट? सी देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ, आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको अच्छा इंसान नहीं बनना है। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर इमोशनली आपको लग रहा है कि दूसरों के प्रॉब्लम्स सुनने के लिए आप रेडी नहीं हैं, आपके लिए हैंडल करना इमोशनली अपने आप को हैंडल करना मुश्किल हो रहा है जब आप दूसरों के प्रॉब्लम्स सुनते हैं, तो मत सुनो, राइट? आप किसी का भला नहीं कर पाएंगे अगर आप खुद का भला नहीं कर सकते, तो अगर आप खुद को नहीं संभाल सकते तो किसी और को नहीं संभाल पाएंगे, राइट? सो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इन दिस मंथ। चलिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। अब यहाँ पर दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग मंथ, पैसे बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में आएंगे। अब यू नो सी बिकॉज दिस इज़ अ मंथली रीडिंग, यहाँ पर हम लाइफ टाइम का रीडिंग नहीं कर रहे हैं, साल का रीडिंग, 5 साल का रीडिंग ऐसा नहीं कर रहे हैं, एक महीने का रीडिंग कर रहे हैं। तो पैसे आपकी लाइफ में आपके हिसाब से आएंगे, ओके, आपकी मेहनत के हिसाब से आएंगे। कई बार यू नो लोग जब ऐसा रीडिंग देखते हैं, अरे माय गॉड बहुत सारे पैसे, मतलब कितने आएंगे। सी इट डिपेंड्स, आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके यस पूर्वज जो है आपके लिए कितना छोड़ कर गए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यस ये है, प्लस यू नो आप इतना ज़्यादा मनी अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेट बन जाएंगे अप्रैल के महीने में। अब मनी अट्रैक्ट करने के लिए मतलब आप कितने मनी अट्रैक्ट करेंगे, इट्स जस्ट गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर एवरीबडी। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, जितने लोग ये ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सबके लिए ये पैसे अलग अलग होंगे। कुछ लोगों का जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत जल्दी वो अट्रैक्ट कर देते हैं। कुछ लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन धीमे धीमे काम करता है, तो वहाँ पर धीरे धीरे पैसे आएंगे, ठीक है? तो ये है, और यस आप बहुत अच्छे से पैसे कमा पाएंगे, या फिर पैसे अच्छे से अट्रैक्ट करने के ज़रिए पैसे अच्छे से अट्रैक्ट करने के तरीके आपको मिलेंगे इस महीने, ओके? सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। चलिए देखते हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर 3 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले या कार्ड इज़ गोइंग टू टेल यू के दिस इज़ एक्चुअली यू नो ये हार्ट ब्रेक टाइप का कार्ड है। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग, कोई आपका दिल तोड़ेगा, कोई आपको कुछ ना कुछ आपके दिल के अगेंस्ट कोई ऐसा काम करेगा कि जो आपको नहीं अच्छा लगता है। सी ऐसे दुनिया में इतने ज़्यादा लोग पड़े हैं कि जो आपको दुख देना चाहते हैं, जो आपके अगेंस्ट कुछ करना चाहते हैं। सी अब काफ़ी लोगों को यू नो जब भी हम ये बताते हैं, लोगों को लगता है कि अरे यार मतलब ऐसा क्यों बिलीव करना, सभी लोग अच्छे होते हैं। भाई अच्छे लोग सभी होते हैं, सी सबको लगता है कि वो दिल से बहुत अच्छे हैं, बट दिल से अच्छे हैं तो ऐसा व्यवहार भी करना पड़ता है। कुछ लोग मतलब हमेशा गुस्सा होते हैं, आंख बुला होते हैं और फिर कहते हैं हम दिल से बहुत अच्छे। भाई दिखाओ ना, कहाँ पर है अच्छाई, हमको भी दिखाओ, राइट? मतलब पूरा दिन कुछ अलग और आप बोलते कि दिल में कुछ अलग है, भाई ऐसा पॉसिबल नहीं है। दिल में अगर कुछ है तो वो ऐसा व्यवहार में आपको लाना पड़ेगा, वरना यू आर वॉट यू एक्ट, आप जैसा बिहेव करेंगे वैसे आप हैं, ठीक है? तो यस ये बात हो गई। चलिए ये वाला बता रहा है कि आपका कोई दिल तोड़े ऐसा कुछ हो सकता है, आपके दिल के अगेंस्ट, आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ सकता है, मर्ज़ी के अगेंस्ट आपके कोई डिसीजन है कि जो आपके लिए लिए जाएंगे। आई डोंट लाइक इट, मुझे पता है आपको भी नहीं अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है, बट है कुछ डिसीजंस के जो आपके लिए लिए जाएंगे और आपको पसंद नहीं आएगा, बट यस आपको हर्ट हो सकता है, आपका दिल कोई दुखा सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है? तो आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड कार्ड, ये कुछ अच्छा प्रेडिक्शन नहीं है, बट यस अभी हमारे पास 2 और ऑप्शंस है, तो सबका कंबाइंड मिलकर रीडिंग आपके लिए लागू होगा, राइट? चलिए अब अगर आपने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड फॉर जस्टिस। जस्टिस का कार्ड यू नो बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसकी इफ़ेक्ट भी उतनी ही ज़्यादा होती है। जस्टिस का कार्ड होता है वो शनि का, शनि की इफ़ेक्ट बताता है, शनि का प्रभुत्व बताता है। अब आपके लिए शनि का समय अगर शुरू हो गया है, अगर आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो आपकी लाइफ में अच्छा अच्छा होगा, अगर पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो बुरा बुरा होगा। अब दिस एवरीबडी नोज, ये हर कोई जानता है। अब आप कहेंगे बट अगर बुरा इफेक्ट हो रहा है, लेट्स सी, लोग 5 मिनट तक की बुराई, यू नो 5 मिनट तक भी नेगेटिविटी सह नहीं सकते लोग, 5 मिनट का भी स्ट्रेस यू नो सहना लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, तो आप मतलब पूरे महीने कैसे ये नेगेटिविटी सहेंगे। तो अब आप बोलेंगे अच्छा अब हमें कैसे क्या करना चाहिए। सी शनि देव को, शनि देव का अगर कर्म का आपको भार लग रहा है, शनि देव की मार अगर आपको ज़्यादा लग रही है, तो आपका उसका एक ही उपाय है, सिर्फ एक उपाय है कि आप अच्छे कर्म करना शुरू करो। अच्छे कर्म कैसे करेंगे, गरीब को कुछ दान दो, किसी को कोई चीज़ की मदद करो, मंदिर में जाकर फ्री में सेवा दो, कुछ भी करो, बट यस कोई ना कोई सी। फिर ये भी नहीं होना चाहिए कि आप इस एक डायरेक्शन में सेवा कर रहे हो और दूसरे डायरेक्शन में आप किसी को परेशान कर रहे हो, राइट। आपके ऑफिस में भी अगर कोई है तो उसको परेशान मत करो, लोगों को परेशान मत करो, कलीग्स को परेशान मत करो, किसी को परेशान। घर में भी अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको लगता है कि वो बहुत अच्छे हैं दिल से, बट घर में सी जाने अनजाने में किसी ना किसी से बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं, बट अगर वो गलती आपको रियलाइज़ होती है तो यू नो माफ़ी मांगो। अगर अपने बच्चे से भी गलती हो जाए तो उससे भी माफ़ी मांगो। ये बात इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, यू नो जब भी छोटी उम्र की कोई व्यक्ति उससे माफ़ी मांगी जाए तो वो मतलब इट्स कंसिडर्ड के उस उम्र में छोटे व्यक्ति को बड़े व्यक्ति की माफ़ी नहीं स्वीकारनी है, उनको बोलना है अरे नहीं नहीं आप हमसे माफ़ी मत मांगिए, आप हमसे बड़े हैं। सी उम्र में बड़े होना सही बात है, बट उम्र में बड़े होने से ऐसा ज़रूरी है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं और आप उसको माफ़ करते रहें। सी इसकी वजह से इतने ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग मतलब बच्चों के साथ मतलब इतना बुरा बर्ताव करते रहते हैं, एंड यू नो बच्चों की बातें कोई सुनता नहीं है बिकॉज ये इंडिया है, इंडिया में तो नहीं नहीं आपके बड़े जो कर रहे हैं वही आपके लिए सही है। यू नो ये बात बहुत ज़्यादा यू नो मैंने खुद ने भी सुनी है। तो जी हाँ, तो बी केयरफुल, अगर छोटी उम्र के कुछ लोग कंप्लेन करते हैं तो ये इट्स नॉट नेसेसरी कि हर बार उन्हीं की गलती होती है, ठीक है। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 5 सेलेक्ट किया है, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। एन अमेजिंग मंथ, आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है। आप अपने लाइफ पार्टनर, आपके फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हैं इस महीने, और जस्ट इन केस अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप यू नो आप पक्के लेवल पर ले जाए, कमिटमेंट लेवल पर ले जाए, ऐसा आप ज़रूर करेंगे। अब अगर आपके साथ आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इतने टाइम से आप यू नो रिलेशनशिप में थे, आपने कुछ ज़्यादा डिसाइड नहीं किया था कि यू नो ये रिलेशनशिप का क्या करेंगे, बट इस महीने आप यू नो अपना रिलेशन कॉन्क्रीट लेवल तक ले जाए ऐसा डिसाइड ज़रूर करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा डिसाइड नहीं करेंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा कि जिसके साथ आप यू नो ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ दैट। और या अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई व्यक्ति ऐसा आएगा कि जिसके साथ आप यू नो अपनी पूरी लाइफ बिता सके। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 6 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। दिस इज़ द कार्ड फॉर 8 of Cups का कार्ड है। यू नो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि आपके लिए इस महीने अगर कोई ऐसे रिलेशनशिप है कि जो जिसका मायना अब कुछ रहा नहीं, कुछ ऐसी फ्रेंडशिप है, कुछ ऐसे कलीग्स के साथ आपका रिश्ता था कि जो अब इतना ज़्यादा उसका मायना रहा नहीं, वो रिलेशनशिप का वैल्यू इतना नहीं रहा, वो रिलेशनशिप की अहमियत इतनी नहीं रही, वो रिलेशनशिप से आप जितना ग्रो कर सकते थे उतना आपने ग्रो कर दिया, अब वो रिलेशनशिप में यू नो पहले जैसी बात नहीं है, तो आपको वो रिलेशनशिप से आपको दूर जाना ही बेहतर होगा। रिलेशनशिप तोड़ना यूजुअली यू नो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, लोग यूजुअली समझते हैं कि रिश्ता मतलब चलते रहना चाहिए। सी किसको नहीं अच्छा लगता कि सारे के सारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे, बट यू नो आपके पास दिन के 24 घंटे होते हैं, हफ्ते के 7 दिन होते हैं, तो और कुछ समय ऐसा होता है कि जो आप खाली समय आपको मिलता है कि जिसमें आप अपने रिश्ते मेंटेन करते हैं। अब कोई तो है नहीं ऐसा दुनिया में कि जो 7 के 7 बिलियन 8 बिलियन है अब, राइट, 8 के 8 बिलियन लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर सके, राइट, अब तो ऐसा कोई है नहीं। सो यू ऑलवेज हैव सी
लाइफ में हमेशा कुछ रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि जब उसका पर्पस ख़त्म हो जाए तो वो रिश्ते आपके लाइफ से निकल जाएंगे, उस रिलेशनशिप की अहमियत बिल्कुल नहीं रहेगी एंड वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हो सकते हैं कि जो ख़त्म होने वाले हैं इस महीने, या फिर अगर जानबूझकर ख़त्म नहीं होते हैं तो आपको उन रिश्तों से दूर हो जाना है। आपको खुद को पता है कि किन रिश्तों की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज सी ये जो ऑप्शन है उनको बहुत एक से ज़्यादा व्यक्ति सेलेक्ट करेंगे तो हर कोई व्यक्ति है कि कौन कौन सा, मतलब उसके लिए कौन सा रिश्ता हो सकता है मुझे क्या पता, राइट। आपके लिए मतलब उसके लिए तो फिर डिटेल में रीडिंग निकालना पड़ेगा पर्सनल बेसिस पर, तो कौन सा व्यक्ति आपके लाइफ से चला जाएगा, आपको चला जाएगा या फिर आपको उनको छोड़कर दूर जाना पड़ेगा। दिस इज़ समथिंग एक्चुअली डिफ़िकल्ट, आपको जिसको छोड़कर जाना पड़े आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, बट येस जो है वो है। यू नो आपके पास ज़्यादा कोई रीज़न भी नहीं रहेगा, कोई वजह भी नहीं रहेगी कि आप उस रिश्ते को पकड़ कर रखना चाहते हैं, आप उस रिश्ते को संभाल कर रखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 7 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड जो हमारे पास है दिस इज़ द एम्प्रेस का कार्ड। एम्प्रेस है एक ऐसी लेडी है कि जिसकी लाइफ में सारा अबंडेंस है, रानी है कि जिसके पास सब कुछ है, अबंडेंस हर तरह का, मतलब जो चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े वो सारी चीज़ें आपके पास होंगी इस महीने। आप कहेंगे अरे यार वो तो ऑलरेडी है मेरे पास। सी दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप देखो, ओके, अगर आप मिडिल क्लास या फिर हायर लेवल के, अगर आप या हायर क्लास में है तो यूजुअली सबके पास यू नो सब चीज़ होती है, खाने पीने की सारी चीज़ होते हैं, सर्वाइवल की सारी चीज़ होती है, पहनने के कपड़े, आजकल तो बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं, राइट। तो यूजुअली सबके पास सब कुछ होता है। हाँ, जो मतलब बहुत ही एक दिन की कमाई खाकर एक उसी दिन का खा लेते हैं तो उनके पास कुछ अलग, उनके पास यू नो कम पड़ सकता है, बट यू नो मिडिल क्लास या उससे ऊपर के जितने भी क्लास हैं उनके लिए यू नो कभी यूजुअली कम नहीं पड़ता, ओके, कभी कम नहीं पड़ता। आई एम नॉट सेइंग, ये बात आपने कब रियलाइज़ की, जब यू नो कोविड के टाइम पर लॉकडाउन हो गया था और किसी के पास कोई शॉपिंग नहीं कर सकता था, कोई कुछ नहीं कर सकता था, तब आपने देखा अब 2 महीने बिना शॉपिंग किए भी आपने सर्वाइव किया, राइट। सो दैट इज़ वॉट यू नो दैट इज़ वॉट इज़, लोगों को लगता है कि अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, बट कोविड के टाइम पर सबको पता लग गया कि किसके पास क्या है, राइट। सो यस, सो आपके पास जितनी चीज़ की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आपके पास है, और जिस चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी वो आपके पास ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर आ जाएंगी, ठीक है। तो ये एक कार्ड ये बताता है। दूसरा कार्ड हमारे पास है ये हाई प्रीस्टेस। हाई प्रीस्टेस ये बताती है कि कोई चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आपको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, कुछ बातें ऐसे होती है कि जो आपको शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ का अबंडेंस है तो उसको आपको सबके साथ शेयर नहीं करना है। सी जैसे कि आपके पास कोई भंडार भरा है, कि लेट्स से आपके पास यू नो अनाज का भंडार है कि जो अगले 6 महीने तक चलेगा, ओके। सो अगर आपके पास ये भंडार भरा है तो गाँव में जाकर ढिंढोरा नहीं पीटना है कि आपके पास बहुत सारा अनाज है। अगर ज़रूरी लगे कि कुछ चीज़ें बिगड़ जाएंगी, ख़राब हो जाएंगी, तो उसको आप डोनेट कर सकते हैं। आपके घर में जो काम करने के लिए आते हैं, आपके बिल्डिंग में जो वॉचमैन है, उनको आप यू नो डोनेशन में दे सकते हैं, बट पूरे गांव में ढिंढोरा मत पीटिए, राइट। सी बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है, बट सबको ही कुछ हर कुछ बताता नहीं है, ठीक है। सो अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो किसी को डोनेट कर सकते हैं, बट ज़्यादा किसी को मत बताओ, और किसी को ज़्यादा सब कुछ दे देने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 8 सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स का क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। ये कार्ड कहता है यस दिस इज़ द सन का कार्ड है। सन का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर आता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स थे तो इस महीने बहुत अच्छा चांस है कि आप रिकवर कर पाएँ, ओके। अब यू नो अगर ये कार्ड आया है तो सी आपके लिए अगर हेल्थ में रिकवर करना बहुत मुश्किल था काफ़ी समय से, और अब ये कार्ड आया है, आई वुड लाइक टू से कि हेल्थ सुधारने के लिए दुगनी चौगुनी मेहनत कीजिए, ठीक है। चौगुनी मेहनत मतलब ऐसा नहीं कि अपने आप को स्ट्रेस आउट कर देना है, अच्छे से खाना खाइए, अच्छे से आराम कीजिए, अगर एक्सरसाइज करने को बोला है तो वो कीजिए, खाना अच्छे से नियमित तौर पर खाइए, उसी के साथ जो हेल्दी फिटनेस वाला खाना होता है वही आपको खाना है, तो वो करेंगे तो आपका हेल्थ में बहुत जल्दी रिकवरी दिखेगा इस महीने। प्लस सक्सेस बहुत ज़्यादा है इस महीने, तो जो भी करेंगे उसमें बहुत ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगा। सो यस, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। चलिए अगर आपने ऑप्शन नंबर 9 सेलेक्ट किया है
तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इट। इट इज अ चैरियट का कार्ड है। चैरियट मतलब रथ, राइट। रथ होता है कि जो घोड़े के ऊपर सवार होकर कोई भी व्यक्ति निकलता है। सो रथ वाला कार्ड है, चैरियट वाला कार्ड है। व्हाट इज हैपनिंग विद द चैरियट। चैरियट मतलब आपको कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सी चैरियट का कार्ड हमेशा आपको धक्का लगाने के लिए आता है, भाई क्या कर रहे हो, बैठे क्यों रहे हो, चलो एक्शन लो, आगे बढ़ो। सो अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा सोच कर रखा है कि आपको आप अब करेंगे, अप्रैल के महीने में करेंगे, ऐसा कुछ सोच के रखा है, प्लान करके रखा है, तो डेफिनेटली उसको एक्शन में डालो, उसके लिए आगे बढ़ना शुरू करो, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। और दूसरी बात जो चैरियट का कार्ड बताता है कि इस महीने आप हमेशा एक्शन में रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे, आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, हमेशा आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, ज़रा भी रुकना नहीं है। प्लस बहुत ज़्यादा आप बिज़ी हो सकते हैं इस महीने, बहुत ज़्यादा आपको सी बिज़ी मतलब पॉजिटिवली बिज़ी आप हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे काम या यू एक्टिंग लाइक बहुत अच्छे वर्क ओरिएंटेड आप बन जाएंगे इस महीने, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब जो अगर कोई रिटायर हो गए हैं, वो कहेंगे अच्छा वर्क ओरिएंटेड मतलब क्या। अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आपने अपने मन में अगर कोई काम सोच कर रखे हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए स्वेटर बनाएंगे अगली सर्दियों के लिए, या फिर कुछ ऐसा कुछ अलग सा बनाएंगे, गणेश जी के फेस्टिवल के लिए कुछ मूर्ति बनाएंगे, तो वो सारे काम आप अप्रैल के महीने में आपको करने पड़े, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये थे आपके नंबर्स के प्रेडिक्शन। चलिए आपके कलर्स के प्रेडिक्शन देखते हैं, राइट। मैंने जैसे कहा हमारे पास यहाँ पर कलर्स के कार्ड्स भी है, तो सबसे पहले हमारे पास ये रेडिश मरून कलर का कार्ड है, राइट। वी हैव द रेडिश मरून कलर कार्ड। चलिए ये कार्ड क्या बताता है। सो दिस कार्ड वी हैव, अब ये कार्ड बताता है कि आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, इतने बेहतरीन ऑप्शंस आएंगे इस महीने कि आपके लिए उसमें आगे क्या डिसाइड करना है वो डिसाइड करना मुश्किल पड़ जाएगा, बिकॉज वो दोनों ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन होंगे। यूजुअली यही होता है, राइट। जब लाइफ में कभी भी आप कुछ भी करना चाहते हैं और ऐसे कोई ऑप्शंस आए कि दोनों में से, मतलब एक से बढ़कर एक ऑप्शंस है दोनों, तो दोनों में से आपके लिए ऑप्शन सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये करे या वो सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये है, ये ऐसी विडंबना आपके साथ हो सकती है। आप करेंगे, आप कहेंगे भाई ये कैसा प्रेडिक्शन है। सी प्रेडिक्शन तो प्रेडिक्शन होता है, जो भी आता है मुझे बताना पड़ता है, ठीक है। दैट्स वन थिंग। और एक और चीज़ है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है कि दो में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ जाए, दोनों ऑप्शंस बहुत ही बेहतरीन है, आपको अपने इंट्यूशन के साथ जाना है कि कौन सा ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था। चलिए देखते हैं अगला ऑप्शन। अगला ऑप्शन जो हमारे पास है वो है ये ऑरेंज, पीचिश ऑरेंज कलर है हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास फूल का कार्ड है। फूल इज़ द कार्ड फॉर ये वाला कार्ड बताता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पर आपके पास कोई पहले का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा, पहले का कोई भी आगे कैसे बढ़ना है उसके लिए कोई नॉलेज नहीं होगा, बट फिर भी आप ज़ीरो लेवल पर होंगे, क्या करना क्या नहीं वो बिल्कुल पता नहीं होगा, बट फिर भी एक अलर्टपन होता है, अलर्टपन होता है, एक लेवल का कॉन्फिडेंस होता है कि आपको पता भी नहीं है आपके अंदर है, बट आप फिर भी उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो जी हाँ, ये है, ये है। दूसरा है कि आपके अंदर एक केयरफ्रीनेस है कि जो थोड़ा सा होना चाहिए। अगर लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो आप कैसे आगे बढ़ पाएंगे, राइट। स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं होता है, ग्रोथ वाली एनर्जी नहीं होती है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए ज़रूरी है। अगली आपको कोई बात बताऊँ तो दिस इज़ गोइंग टू ऑल्सो बी लाइक कोई नई शुरुआत होने जा रही है आपकी लाइफ में। स्टार्टिंग अगर आपने ये अप्रैल स्टार्ट होने के टाइम पर अगर आपने ये वीडियो देखा है तो इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू फील कि हाँ कुछ ना कुछ तो नया शुरू होगा, बट येस कुछ नई शुरुआत आपके लिए आ रही है, कोई नई शुरुआत, कोई नया ऑफ़र आपके लिए आ रहा है कि जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर ऑफ़र सामने से नहीं आता है तो आपको चलकर ऑफ़र की तरफ जाना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। चलिए अगर आपने ऑरेंजिश येलो कलर सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहना चाहता है। ये वाला कार्ड निकला है, ये कार्ड कहता है प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स।
इस महीने यू नो दिस इज अ वेरी गुड मंथ ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या, आपको सी किसी भी, आपको लाइफ के किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर आप इस साल में कोई ट्रिप लेना चाहते हैं, आप कहीं घूमना चाहते हैं और आप ट्रिप के लिए यू नो कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं, तो यस ये महीना बहुत ही अच्छा है। प्लस सी दिस मंथ इज़ गुड फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा समय मिलने वाला है। जब खाली समय मिलता है तब अच्छी चीज़ों के बारे में, इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में ब्रेनस्टॉर्म करना, उस ब्रेनस्टॉर्म मतलब क्या, ठीक है आपके अगर सवाल है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स विचार करना, यू नो किसी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा विचार करना, दिमाग के ऊपर जोर देना और सोचना कि भाई इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे तो बहुत सारे मामले होते हैं राइट। अगर अभी ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली अप्रैल के महीने में कभी ना कभी ऐसा कुछ ज़रूर होगा कि आप यू नो दिमाग पर जोर देकर सोचें, अच्छे से एनालाइज करें चीज़ों को और उसके बाद यू नो डिसीजन लें, ठीक है। एनालिसिस करने के लिए, सोचने के लिए, विचार करने के लिए है ये मंथ, ठीक है। आप यस आप दूसरी भी चीज़ें करेंगे, जैसे दूसरे ऑप्शन आपने सेलेक्ट किए, बट दिस इज ऑल्सो वॉट ये आपका अप्रैल का महीना ऐसा होने वाला है, ठीक है। चलिए अगर आपने ग्रीन कलर सेलेक्ट किया है तो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। बहुत ही लकी कार्ड है, बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। आप यू नो बहुत ही लकी है इस महीने ये महीना गुड लक लेकर आने वाला है, ये महीना अच्छा फॉर्चून अच्छी किस्मत लेकर आने वाला है। तो यू नो आप जो भी करेंगे इस महीने में बहुत ही अच्छा फॉर्चून, आप फॉर्चुनेट होंगे। यू नो सी फॉर्चून का एक है कि आप कभी कभी देखते हैं कि आप जितना भी करो यू नो सारे पासे सही पड़ते हैं, आप चाहे जो भी करो वो ओके। तो वो कुछ ऐसा इस महीने होने जा रहा है कि आप जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इज़ कमिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि आप जैसा भी करेंगे उसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप फॉर्चुनेट बनेंगे। अब आप कहेंगे कि अच्छा मतलब अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो भाई क्या होगा, अगर आप कुछ करेंगे तो उसमें आप यू नो फॉर्चुनेट हो सकते हैं राइट। जैसे आपने पांच काम किए तो पांचों के पांचों काम में आपके लिए आपका गुड लक काम करेगा। अगर आपने एक भी काम नहीं किए तो गुड लक वाला टाइम तो आया था बट वो टाइम ऐसा ही चला गया राइट। ये अप्रैल के महीने के लिए है, तो अगर आपने इस महीने का फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर यूनिवर्स इज़ नॉट यू नो नॉट टू बी ब्लेम्ड। फिर आप किसी को दोष नहीं दिला सकते कि भाई आपने, अरे यार ये अच्छा गुड फॉर्चून में रहिएगा भाई, आप ऐसा नहीं बोल सकते। चलिए अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर आपने सिलेक्ट किया है, दो देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड हमारे पास है ये यू नो नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये जो लेडी है, ये जो बंदी है यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रही है, डरी हुई दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा सहमी हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसा कब होता है, जब आपके साथ कुछ बुरे एक्सपीरियंस पास्ट में हुए हैं तो आप जब अगली बार उसी तरह के सेम एक्सपीरियंस सेम तरह के पथ पर जब आगे बढ़ते हैं, सेम तरह के अनुभव आपको वापस होते हैं तो आप फूक फूक कर कदम लेते हैं, ऐसा आपका स्वभाव ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। ये नेचुरली है, सबके साथ होता है, इंसान की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि आप यू नो फूक फूक कर कदम रखना शुरू कर देते हैं जस्ट बिकॉज आपकी सेफ्टी के लिए। अब आपका ये बहुत ज़्यादा टाइम से आप ऐसे हैं और ये यूनिवर्स आपको देख रहा है, एंड एट द सेम टाइम यू नो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपके अंदर जो डर है, जो अंडर कॉन्फिडेंस है, जो इनसिक्योरिटी है, वो सारी यू नो भाग जाएगी और आपके अंदर का जो बैड एस वाला जो स्वभाव है, बैड एस मतलब कि जो यू नो मतलब बेझिझक बेबाक आप एकदम निकल पड़ते हैं यू नो शेर की तरह, वो वाला स्वभाव आपका निकल आएगा। और यस यू नो यहाँ पर आपको कोई डरा नहीं सकेगा, यहाँ पर आपको कोई धमका नहीं सकेगा, आप जैसा चाहते हैं वैसी लाइफ आप जी सकते हैं, ठीक है। सो ये है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने की जर्नी है आपका अप्रैल का महीना। अब अप्रैल के महीने में बहुत बार आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप यू नो थोड़ा डरे हुए से थे, सहमे हुए से थे, वो डर कर सहम कर आप यू नो जब थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, तब चलकर यू नो आप ये बन ही जाएंगे, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। चलिए अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, ये नेवी ब्लू कलर अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड आया है प्रिंसेस ऑफ कॉइंस। ये वाला जो है, ये मंथ जो है आपके लिए कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा समय है। इन्वेस्टमेंट कैसे करना है ओके? आपको अपने लाइफ के पैसे कैसे इन्वेस्ट करना है,
वो जानने के लिए, वो सीखने के लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। ठीक है, अब लाइफ का इन्वेस्टमेंट ये वो, यू नो, अब यस, बहुत अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं और सबको अपने लिए इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं, तो आप कौन से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके लिए डीप जो थॉट है, डीप जो ज़रूरत है कि जो आपको जितना सोचना चाहिए वो आप सोचेंगे अप्रैल के महीने में। और जस्ट इन केस आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है नहीं आता है, तो यू नो आपको सारा इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो जाकर किसी से सीखना पड़ेगा। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा। और चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया, यू नो इफ दिस इज़ द ऑप्शन दैट यू सिलेक्टेड, दिस इज़ द ऑप्शन, ओके, कार्ड थोड़ी ना आपको मैंने दिखाया था, पर्पलिश वॉयलेट कलर अगर आपने सिलेक्ट किया था, तो देखते हैं यहाँ पर कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है, ओके, सन का कार्ड है। सन का कार्ड बहुत पॉजिटिव है, बहुत पावरफुल है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी हेल्थ यू नो कुछ बुरी थी, जल्दी हीलिंग नहीं हो रहा था, तो सन का कार्ड इस महीने के लिए आया है, तो हेल्थ बहुत इम्प्रूवमेंट आपको दिखाएगा इस महीने में, यस। दूसरी चीज़ है, सन इज़ ऑल्सो फॉर सक्सेस, यू नो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ही बड़े लेवल का सक्सेस आ सकता है, या फिर बड़े लेवल के सक्सेस के लिए प्रिपरेशन हो सकता है इस महीने में। ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारे पास ये वाला कार्ड है, अब ये अपॉर्चुनिटी है। सी, सक्सेस कब आएगा, जब आगे चलकर आप यू नो अपॉर्चुनिटी को थामेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। बहुत ज़्यादा लोग होता है यू नो राह देखते हैं, अच्छा सक्सेस आएगा, भाई कहाँ से आएगा, अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, उसके ऊपर काम करो, तब चलकर सक्सेस आएगा। यू नो यहाँ पर सी स्पेसिफिकली वो कार्ड आया है, कभी कभी ऐसा कार्ड होता है कि यू नो बिना कोई अपॉर्चुनिटी के भी यू नो सक्सेस होता है, तो आपकी मेहनत के हिसाब से जो भी जितने लेवल का सक्सेस आपको मिलना चाहिए वो आपको मिल जाएगा, दैट इज़ द वो संदेश होता है उस टाइम पर। बट यहाँ पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी वाला कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करना है, अपॉर्चुनिटी पर काम करना है, जिसके बाद यू नो आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए वीडियो। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, अगर आपने रेड जैस्पर सिलेक्ट किया है, तो देखते हैं आपके लिए कार्ड क्या कहना चाहता है। सबसे पहले हमारे पास, यस, वी जस्ट हैव दिस कार्ड, थिंकिंग मैन का कार्ड है। थिंकिंग मैन इज़ यू नो ये जो बंदा है, दिस इज़ यू, ये आप है, तो यू नो ये महीना आपके लिए विचार करने के लिए महीना है, बहुत ही डीप थॉट करने के लिए महीना है। सी, विचार मतलब अनशंट किसी भी चीज़ के ऊपर विचार नहीं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ऐसे डिसीजंस लेने बाकी हैं कि जिसके ऊपर आपको शांति से धैर्यपूर्वक विचार देना बहुत ज़रूरी है, कि जो आपने अब तक नहीं किया है। बट अगर ये कार्ड आया है, मतलब कि यू नो आपको ये चीज़ करना है इस महीने, यू नो इस महीने आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा रादर देन थिंकिंग एंड एनालाइजिंग। ठीक है, अच्छे से सोचना है, एनालाइज करना है। लेट्स से आपके पास कोई चीज़ें हैं, कुछ ऐसी रिसोर्सेज हैं कि जो आपके पास है, जिसको आपको एनालाइज करना है, तो भी आप उसे एनालाइज कर सकते हैं। किसी ने कुछ तोहफा दिया है, उसे आप एनालाइज करना चाहते हैं, या किसी चीज़ के बारे में सीखना चाहते हैं, तो भी ये महीना उसके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, या क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, यस, स्फटिक का मणि है, माना जाता है कि द्वारिका में, यू नो ऐसा ये स्फटिक मणि इतना क्लियर नहीं है, स्फटिक मणि यू नो ऐसा माना जाता है कि द्वारिका में, कृष्ण जी की द्वारिका जो है उसमें इस स्फटिक मणि के बहुत बड़े बड़े स्तंभ थे, और वो स्फटिक मणि बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हुआ करता था। ओके, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये थोड़ा इम्प्योर है। चलिए, अगर आपने ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ये वाला कार्ड कहता है कि ये टेंपल पाथ का कार्ड है। सबसे पहले आपको अपनी राह, आपको मंदिर रेगुलरली जाना चाहिए। लेट्स से कि आप हिंदू नहीं हैं, तो आपका रिलीजन, आपके रिलीजन के हिसाब से जहाँ पर भी आपके लिए जाना ज़रूरी है वहाँ पर आप जाइए। ओके, तो वो एक चीज़ है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, यू नो टेंपल में जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई भी धार्मिक स्थल पर जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। धार्मिक स्थल जो होता है, वहाँ की जो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, बहुत हाई लेवल की होती है, बहुत डिवाइन होती है। जब ऐसे एटमोसफियर में आप मेडिटेशन करते हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं वहाँ से। ओके, दूसरी बात, अब ये जो है टेंपल के लिए कार्ड है, तो टेंपल आपकी लाइफ में, टेंपल क्या है आपकी लाइफ में, आपका शरीर आपका टेंपल है। अब यू नो आपका जो शरीर है, यस, बॉडी इज़ द टेंपल ऑफ योर सोल, तो आपके शरीर का आपको ख्याल रखना है, आपके शरीर के लिए आपको हर वो चीज़ करना है, हर वो काम करना है जिससे आपका शरीर तंदुरुस्त रह सके। तो हेल्दी खाना खाना है, अच्छे से आराम करना है, यू नो यस यू नो एक्सरसाइज करना है, व्यायाम करना है, मेडिटेशन करना है, वो सब कुछ
आपके लिए ज़रूरी है। आप जितना अपने शरीर को हेल्दी रखेंगे, आपका जो सोल है उतना कंफर्टेबली अपने शरीर में रह पाएगा। सी, अगर आप बहुत टाइम से तड़प रहे हैं, दुख में हैं, बहुत ज़्यादा यू नो अनकम्फर्टेबल है, दैट जस्ट शोज़ कि आपका जो सोल है वो आपके शरीर में यू नो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। व्हाई इट इज़ नॉट कंफर्टेबल? आप देखिए आप अपने शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। अगर आप अपने खाने पीने का टाइम स्ट्रेच करते रहते हैं, ज़्यादा सोते नहीं हैं, ज़्यादा आराम नहीं करते, अच्छे से खाते पीते नहीं, एन्जॉय नहीं करते। सी, आपको ह्यूमन बॉडी मिला है कर्म करने के लिए, डेफिनेटली दैट्स द ट्रूथ। बट सिर्फ आपको कर्म करते रहो यू नो कोई जाकर आप एन्जॉय नहीं करते तो भी यू नो आप थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाएंगे। तो कोशिश करो आपको थोड़े थोड़े समय पर यू नो अपने आप को थोड़ा सा एन्जॉयमेंट भी देना है, ठीक है। हर कोई एन्जॉयमेंट के स्थल पर नहीं, बट कुछ एन्जॉयमेंट के स्थल पर तो आप डेफिनेटली जा ही सकते हैं, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। या अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोगों के साथ जिनके साथ आप अप्रैल महीने का प्रेडिक्शन शेयर करना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। यस, अगर आप मेरे टैरो क्लास में रजिस्टर करना चाहते हैं तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए। यू नो मेरा टैरो का क्लास ऐसा है कि आज तक जितने लोगों ने टैरो मेरे से सीखा है हर एक व्यक्ति दे स्वेयर बाय इट के इतना आसान तरीका टैरो सीखने का यू नो आज तक हमने किसी का नहीं देखा। तो डेफिनेटली मेरे टैरो के क्लास में ज्वाइन हो जाइए। आपको लिंक्स कहीं ना कहीं मिल जाएगी, इस वीडियो के नीचे सभी लिंक्स मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।